That is called 11th house. कोई भी एक ऐसा है ही नहीं खराब हो तो मैं अपन तो खराब चीज देते ही नहीं ना इसको हिंदी में कहते हैं आय स्थान ठीक है तो जो भी आपने कर्म किया जो भी आपका भाग्य था उससे आय के रूप में आपको क्या प्राप्ति होगी वो 11th हाउस के अंदर आता है ठीक है इसको अपन कहते हैं इच्छा पूर्ति का स्थान ठीक है सो एनी डिजायर विच यू हैव विल बी फुलफिल्ड थ्रू दिस हाउस उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा बट डिजायर का हाउस है 11th हाउस और इसको आय स्थान कहते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं एफर्ट डाल रहे हैं सब कुछ डाल रहे हैं बट अगर आय स्थान हमारा कमजोर है तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बहुत एक नंबर लड़का है भाई साहब लेकिन प्रमोशन नहीं होगा उसका काम बहुत अच्छा करता है लेकिन प्रमोशन नहीं होगा बिकॉज उसका आय स्थान कमजोर होगा तो इनकमिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज ऑल्सो कम्स इन टू 11th हाउस ठीक है और अगर अपन दूसरे आस्पेक्ट में जीवन के देखते हुए उस तरीके से देखें तो इच्छा पूर्ति का स्थान है किसी भी तरीके की डिजायर जो उठेगी वो इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी कब होगी वो सब कुछ 11th हाउस से हम देखेंगे यस 11th हाउस कर्म से प्रमोशन होगा बट वो प्रमोशन के बाद अगर पैसे बढ़ने वाले होंगे तो वो 11th हाउस से है ठीक है तो 11th हाउस से पैसे बढ़ते हैं और यहाँ पर रखे होते हैं रखते हैं उनको है ना तो ये देखो 1 2 3 4 फोर्थ हाउस कौन सा है सुख स्थान आय का सुख है धन आय का सुख है धन तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बोलेंगे इनकमिंग तो एक नंबर है 3-4 लाख रुपए महीने छाप देता हूँ लेकिन पैसे बचते ही नहीं सेविंग नहीं हो पाती तो ये दिस इज द हाउस ऑफ सेविंग हाँ इट मीन्स ही इज गॉट अ गुड 11th हाउस इच्छा पूर्ति इच्छा हुई नहीं कि पूरी हुई है ना तो इसको आय स्थान कहते हैं हाँ उसके लिए आगे जो हाउस आ रहा है वो है ना दैट इज कॉल्ड वह स्थान तो उस पर अपन समझेंगे ठीक है अगर रिश्तों की अगर अपन बात करें तो ये बड़े भाई का और मित्रों का स्थान तो आपका बड़े भाई से थर्ड हाउस छोटे भाई का स्थान है इफ यू रिमेम्बर है ना आपका बड़े भाई से संबंध कैसे रहेंगे कितने बड़े भाई होंगे नहीं होंगे क्या आप ही सबसे बड़े लड़के रहेंगे घर के आप सबसे छोटे लड़के रहेंगे आपसे बड़े ऊपर के बड़े भाई क्या करेंगे मतलब उनकी पूरी कुंडली आपके बड़े भाई की और साथ में आपकी मित्र मंडली किस तरीके की रहेगी आपके मित्र अच्छे होंगे सहयोगी होंगे आपका फ़ायदा देंगे नुकसान देंगे ये सब कुछ 11th हाउस के अंडर में आएगा ठीक है मित्र मंडली कैसी होगी कम ज़्यादा अच्छे कच्चे लुच्चे बच्चे ये चारों तरीके के मित्र किस तरीके का प्लेनेट बैठा है उस पर किस तरह की दृष्टि है उस तरीके के मित्र होंगे ठीक है तो आप देखोगे कि आपको हर व्यक्ति के हिसाब से उसके मित्रों की अलग अलग मंडली होती है कुछ लोग रहते हैं ऐसे होते हैं जिनके सभी तरीके के मित्र होते हैं तो वो सुबह सत्संग में जाता है शाम को बार में जाता है क्योंकि उसकी मित्र मंडली सभी तरीके के लोगों से घिरी हुई है तो उसमें शनि राहु भी बैठे हैं गुरु शनि गुरु भी बैठे हैं बुध भी बैठे हैं तो वो सभी तरीके के लोगों से मिलजुल रहा है ठीक है तो ऐसे लोगों का आप देखोगे तो पेरीफेरी भी क्योंकि 4-5 प्लेनेट उसको इंप्रेशन कर रहे हैं दिस इज द ओनली हाउस 11th हाउस इज द ओनली हाउस जिसमें हर ग्रह अच्छे फल देता है कोई भी बैठा हो शनि राहु मंगल केतु भी बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे कोई भी ग्रह बैठा हो वो अच्छे फल देगा दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल हाउस हाँ वो मैंने अभी डिस्कस किया ना कि कभी कभी ऐसा होगा कि एक हाउस से एक रिजल्ट अच्छा आएगा लेकिन उसी का दूसरा रिजल्ट खराब आएगा वो अभी आगे आएगी कहानी उसकी अनसर्टन मुनाफा 8th हाउस प्लस 11th हाउस दोनों देखेंगे हम
अनएक्सपेक्टेड में 8th आ गया और आएगा कि नहीं आएगा, रिसीव होगा कि नहीं होगा, वो 11th हाउस में आ गया. वो क्या कहते हो आप, एकर्ड एंड सो दिस इज कॉल्ड ड्यू. और यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर आप पेमेंट आ रहे हो, यहाँ जमा कर रहे हो, ये जमा करो, चेक लगा दिया 11th हाउस. चेक जिस दिन आता है हम ये मान के चलते हैं कि पैसे आ गए, बट वो पैसे आते दो दिन बाद है जब वो बैंक में आते हैं, दैट इज सेकेंड हाउस. तो जब इनकम जनरेट हो गई, दैट इज 11th हाउस.